अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन जी, आपको कैसे लग रहा है? हम यहाँ कैसे आ गए? सुमन जी, आपने तो फोन किया था। हेलो, आप प्लीज हमारी मदद करिए ना, हम गौशाला में। आप जैसी पुलिस पहुंची मैं भी पहुंच गया था, और आपको मैंने वहां बेहोश देखा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आपको कहाँ लेकर जाऊँ। सो मैं आपको यहाँ ले आया अपने घर। आशा करता हूँ कि आपको बुरा ना लगा। सुमन, बेटा, बेटा, बेटा तो ठीक है ना बेटा? मामा जी, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। वो तो शिरीष जी बिल्कुल सही समय पर आ गए। शिरीष बाबू, आप हमारे सुमन के लिए वरदान बन के आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे जितना बन पड़ा मैंने किया। वैसे सुमन जी बहुत ही हिम्मती है, बड़े साहस से उन्होंने उस छोटी बच्ची को बचाया। पासा एकदम सही जगह गिरा है, बस इस जात में सुमनिया फंस जाए। आज दादाजी नहीं आए नाश्ते पे? अरे बड़के बहुआ, जब कोई समस्या गला का हड्डी बन जाए तो का दाना पानी नीचे उतरता है। गए हैं बाबूजी, जो दो परिवारों के बीच झमेला पसरा है ना, उसको समेटने के लिए। मतलब? सुमन का शादी का बात करने गए हैं। तुम्हारा यही दिक्कत था ना कि उसका कोई रखवाला नहीं है। अब जब शादी हो जाएगा तो मिल जाएगा ना उसको अपना रखवाला। बात खत्म। ए अंशुमन बहुआ, का हुआ? अब कहाँ तू विदा है? अरे आप ही को का दिक्कत है? बाकी का बात का है? अरे ई, अरे वो अपना जीवन सवार है, ई अपना जीवन सवार है। जाने ई कब मन बनाएगा शादी करने का। छुटकी, तुम ही कहो ना, कुछ बात कहा का अंशुमन बहुआ ने शादी के बारे में? तुम तो इसका भी मन पढ़ लेती हो ना। दीदी, एक बार सुमन शादी के लिए हाँ कर दे तो अंशुमन की शादी की जिम्मेदारी हमारी। पता नहीं माँ बेटा के मन में का चलता है। बाकी वो लड़की मन से मजबूर हो जाए तो इस घर से उसका पिंड छूटे। ये अब क्या कह रहे हैं राय बहादुर साहब? इससे आपके खानदान की परंपरा का क्या होगा? मान जी, परंपराएं जीवन की बेड़ियां नहीं बननी चाहिए। इतना तो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। सुमन अभी बच्ची है मान जी, उसकी उम्र ही क्या है, पूरा जीवन पड़ा है उसके सामने। कहां विधवा का जीवन जीते हुए यहां वहां भटकती रही। महान जी, अगर सुमन की दोबारा शादी करवा दी जाए तो सुमन की जिंदगी सवर जाएगी, समाज के मुंह पर ताला भी लग जाएगा और सुमन को सहारा भी मिल जाएगा। नमस्ते राय बहादुर जी। दादाजी,
सौभाग्यवती बहू। बहादुर जी, नाना जी आप ठीक तो है ना? ठीक हो रहा। नाना जी नाना जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहें। हाँ बोलो बेटा। सुमन के लिए अपने शिरीष बाबू कैसे रहेंगे? क्यों टूट गया ना तुम्हारा भ्रम? भ्रम? ये हमारे प्यार की हकीकत है, जीने की आस है, इसे भ्रम का नाम मत दो। झूठ, सब झूठ। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया और ना तुम किसी से प्यार करती हो। अपने स्वार्थ के लिए बस तुमने सबका इस्तेमाल किया है सुमन। इस्तेमाल? हमने नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? हमने कभी किसी का इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर क्यों उस परिवार को टूट के बिखरने दे रही हो जिसने तुम्हें सब कुछ दिया? माँ का प्यार, अटूट दोस्ती, प्यार का एहसास, उस परिवार के टूटने की क्यों वजह बन रही हो तुम जिसने हमेशा तुम्हें पलकों की छांव में रखा? हमारी हर एक सांस में वो परिवार बसता है, उस परिवार के लिए जी रहे हैं हम। फिर हम ही उस परिवार के टूटने की वजह कैसे है? ये तुम्हारा रूप, ये जो विधवा रूप है ना, पूरे राय बहादुर खानदान के गले का फांस बन गया है। समझ रही हो तुम? अभी भी अच्छा मौका है पूरे परिवार की खुशियां लौटाने का, उनके लिए कुछ करने का। बहुत अच्छा मौका है अंशुमन जी के सारे एहसानों को चुकाने का। उस परिवार की खुशियों के लिए, अंशुमन जी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन नंदन की याद, उसका साथ, जिसके साथ हमने सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया, वो तो हमें छोड़ के चला गया।